इस कहानी में हम जूनियर जॉनी सिंस को देखेंगे, जिसे अपने दोस्तों से लड़कियों की गुफा और अनमोल रतन के बारे में पता चलता है और फिर वो इन चीजों को देखने के लिए उतावला होने लगता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम 12 साल के जॉनी को उसके दोस्त जॉन और डैनी के साथ देखते हैं। जॉनी के दोनों दोस्त बाजार में लड़कियों को छेड़ रहे थे और फिर जॉन लड़कियों से बात करके अपनी दाल गलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब का उसे कोई भी फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ जॉनी भी एक लड़की को खोपचे में ले जाना चाहता था। तभी जॉनी का एक रिश्तेदार बाजार में ये सब करते हुए देख लेता है। उस रिश्तेदार को देखते ही जॉनी अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी अपने दोस्तों के साथ एक वाइन शॉप पर पहुंचता है, जहां पर वो पार्ट टाइम होम डिलीवरी की नौकरी भी करता था। इन लोगों को एक खंबा डिलीवर करने पर 2 रुपए मिलते थे। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी खंबा लेकर उसके रेगुलर कस्टमर सलीम के पास जाता है। सलीम एक मोची था, लेकिन वो शहर में होने वाले इवेंट में गाना गाने का काम भी करता था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद एक लेडी सलीम के पास अपना सैंडल लेने के लिए आती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, वो अपना वॉलेट लाना भूल गई थी। ये सुनकर सलीम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस लेडी के अंदाज को देखते हुए सलीम समझ जाता है वो अपनी पेमेंट किसी और तरीके से करना चाहती है। सलीम भी इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता और जॉनी को दुकान देखने के लिए बोलता है और उस लेडी को अपने घर के अंदर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी जब शाम को अपने घर पर पहुंचता है, तब उसके फादर उसके पिछवाड़े पर लाठी बरसाते हैं, क्योंकि उसके रिश्तेदार ने उसकी शिकायत कर दी थी। तभी जॉनी के फादर को रोकने के लिए जॉनी की बुआ बीच में आ जाती है और वो जॉनी का पिछवाड़ा लाल होने से बचा लेती है। इसके बाद जॉनी का फादर उसे एक सैलून में झाड़ू मारने के काम पर लगा देता है, लेकिन जॉनी का वहां पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता रहता था। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी इसके बारे में अपनी माँ से बात करता है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे सैलून में जाने से मना कर देती है। अगले दिन जब जॉनी डैनी के साथ सलीम की दुकान पर अड्डा जमा हुए था, तभी दूसरे मोहल्ले के लौंडे जॉन को पीटते हुए वहां पर लेकर आते हैं। एक्चुअल में उस मोहल्ले के लौंडों ने जॉन को उनकी मोहल्ले की लड़की को छेड़ते हुए पकड़ लिया था। तभी जॉनी चुपके से जाकर वाइन वाले को बुलाकर ले आता है। उसके वहां पर आते ही सलीम और डैनी में भी जान आ जाती है, वहां पर लड़ाई होने ही वाली थी। तभी वहां पर जॉनी की मौसी भी आ जाती है, जिसका नाम लतीफा होता है। लतीफा को देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग लतीफा की जवानी पर फिदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लतीफा की आने की वजह से जॉनी के फादर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। एक्चुअल में वो जब भी लतीफा को देखते हैं, वो बिना अपनी हाथ गाड़ी चलाए नहीं रह पाते थे। इसके बाद हम देखते हैं जब जॉनी अपने फादर को खाना देने के लिए दुकान पर जाता है, तब वो देखता है उसके फादर किसी अनारकली के साथ नैन मटक्का कर रहे हैं। और जब वो टिफिन अंदर रखता है, तभी वहां पर उसे एक मैगजीन मिल जाती है, जिसमें लड़कियों को देखकर जॉनी का दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत उस मैगजीन को छुपाकर वहां से कल्टी हो जाता है। इसके बाद वो डायरेक्टली जाकर अपने दोस्तों को दिखाता है और तीनों फिर बिना पलक झपकाए उस मैगजीन को देख रहे थे, लेकिन उन तीनों में से ज्यादा ज्ञान जॉन के पास था, क्योंकि उसने एक साइबर कैफे पर tapatap.com पर कुछ वीडियोस देख ली थी और अब उसका काम सिर्फ मैगजीन से नहीं चल रहा था। इसके बाद वो जॉनी को भी इस सब के बारे में बताता है। जॉनी भी ये सुनकर पागल हो जाता है और अब वो किसी भी तरह लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को देखने का प्लान बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी को याद आता है वो हर हफ्ते अपनी मॉम के साथ एक पब्लिक बाथ लेने के लिए जाता है, जहां पर सभी औरतें आधी नंगी हालत में इधर उधर घूमती रहती हैं। इसी प्लानिंग के साथ वो अगले दिन अपनी मॉम के साथ उस पार्लर में जाता है, लेकिन इस बार उस पार्लर में एक नई लेडी थी और वो जॉनी को अंदर जाने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो 12 साल का हो चुका था। लेकिन फिर भी जॉनी की माँ उस लेडी को थोड़े पैसे ज्यादा देने की बात करके उसे मना लेती है। लेकिन यहाँ पर जॉनी जिस चीज के दर्शन करने के लिए आता है, वो यहाँ पर उसे नहीं मिलती। अगले दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ था, तब उसके दोस्त उससे पूछते हैं, क्या तुमने गुफा और अनमोल रतन के नजारे किए? तब जॉनी उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि मेरा तो KLPD हो गया। उसकी ऐसी बातें सुनकर दोनों दोस्त हंसने लगते हैं, लेकिन फिर जॉनी अपने छोटे चेतन की कसम खाता है और कहता है इस बार वो जब भी पार्लर में जाएगा, तब वो दर्शन करके ही लौटेगा। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी के मामा जमीला नाम की एक लड़की को घर पर लेकर आते हैं। एक्चुअल में जॉनी की माँ अकेले घर का काम नहीं कर पाती थी, इसलिए जमीला को वहां पर काम करने के लिए लाया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मोहल्ले के सभी मर्द जॉन की मौसी लतीफा को पटाने में लगे हुए थे। वो जॉनी के हाथों लतीफा के लिए गिफ्ट भिजवाते थे, लेकिन जॉनी चाहता था उसकी मौसी की अनबॉक्सिंग सलीम ही करे, क्योंकि सलीम लतीफा को दिलो जान से चाहने लगा था और लतीफा का भी कुछ यही हाल था। एक दिन लतीफा अपने मुंह का चबाया हुआ चिंगम सलीम के लिए भिजवाती है। सलीम भी बहुत मजे से उस चिंगम को चबाकर लतीफा के लिए एक लव लेटर लिखता है। उस लेटर में सलीम ने काफी अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था, जिसे पढ़ने के बाद लतीफा पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन फिर से जॉनी अपनी मॉम के साथ
साथ पब्लिक बात लेने के लिए जाता है, लेकिन इस बार पार्लर की लेडी पूरी तरीके से ठान चुकी थी चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इस बार जॉनी को अंदर नहीं जाने देगी, क्योंकि पिछली बार उसने पैसे ज्यादा देने का वादा किया था लेकिन उसने अब तक पैसे ज्यादा नहीं दिए थे। जब जॉनी की मॉम पैसे दे देती है तब वो लेडी जॉनी को अंदर जाने देती है। जॉनी इस बार अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार था और वो अपने प्लान में कामयाब हो पाता, इससे पहले ही एक लेडी उसे पकड़ लेती है। एक्चुअल में उस लेडी को जॉनी के इरादों पर शक हो गया था और इसी वजह से वो जॉनी के पीछे काफी टाइम से लगी हुई थी। पता चलने के बाद जॉनी की मॉम भी उसे बहुत सुनाती है और अब जॉनी को भी पता चल गया था इस पार्लर में उसका आखिरी दिन है। इस घटना के बाद से ही जॉनी की मॉम ने उसे अपने साथ पार्लर में ले जाना बंद कर दिया था और जॉनी अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था और इसी वजह से वो अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाता है। उसकी माँ उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद वो जमीला से जॉनी को ढूंढने के लिए कहती है। पूरा घर देखने के बाद जमीला जॉनी को ढूंढ लेती है। वो जमीला के ही कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। जमीला जॉनी को जगाना ठीक नहीं समझती और चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। शाम के टाइम जब जॉनी की नींद खुलती है तब वो अपना मन हल्का करने के लिए सलीम के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर जॉनी पागल हो जाता है क्योंकि सलीम लतीफा की अनबॉक्सिंग करने में लगा हुआ था। ये सब देखकर जॉनी बहुत खुश होने लगता है और वो उन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए हुए वहां से घर वापस आ जाता है, जहां पर वो जमीला को देखता है जो गहरी नींद में थी। जॉनी का छोटा चेतन पूरी तरीके से खड़ा हुआ था क्योंकि अभी अभी वो फुल नजारे देख आया था। वो जमीला को पेलने का ट्राई करता है, वो उसके ऊपर चढ़ने वाला था लेकिन तभी जमीला अपनी करवट बदलती है और जॉनी की फट जाती है। फिर अगले दिन जॉनी अपने घर की छत पर देवदास बनकर बैठा हुआ था और वो अपनी फूटी किस्मत को अंदर ही अंदर कोस रहा था। उसने प्राइवेट पार्ट्स की दर्शन करने में बहुत कोशिश की लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट था। एक दिन जॉनी की मॉम पब्लिक बात लेने के लिए जा रही थी, तभी जॉनी भी उनके साथ चलने की जिद करने लगता है लेकिन उसकी मॉम उसे अपने साथ ले जाने से साफ साफ मना कर देती है। वो जॉनी से कहती है तुम्हें वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं, जमीला तुम्हें यहीं पर ही नहलवा देगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब जॉनी जमीला के साथ घर पर अकेला था। जब जमीला उसे नहला रही थी तभी जॉनी जमीला को भी नहाने के लिए कहता है। पहले तो जमीला मना करती है लेकिन जॉनी के लगातार फोर्स करने पर वो मान जाती है, लेकिन वो अपने पूरे कपड़े नहीं उतारती। जॉनी उससे अपने पूरे कपड़े उतारने के लिए कहता है, जमीला उसे मना करती है लेकिन जॉनी उसे समझाते हुए कहता है उसने पहले भी बात पार्लर में लड़कियों को नंगा होते हुए देखा है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है। ये सुनने के बाद जमीला कपड़े उतारने के लिए रेडी हो जाती है। जॉनी गुफा और अनमोल रतन के दर्शन करने ही वाला था तभी उसकी मॉम पार्लर से वापस आ जाती है और वो उन दोनों को इस हालत में देख लेती है। जॉनी समझ चुका था अब उसकी माँ उसके फादर को सब कुछ बता देगी, जिसके बाद उसके फादर पिछवाड़े पर डंडे बरसाकर पिछवाड़ा लाल कर देंगे। रात में जब अपने फादर से मार खाने के बाद जॉनी अपने कमरे में पहुंचता है, जमीला उसके बेड पर लेटी हुई थी और जॉनी उसे लेटा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। जमीला को पता था इस घर में उसकी ये आखिरी रात है और वो जाने से पहले जॉनी को अपनी गुफा के दर्शन कराना चाहती थी। फिर क्या था, जॉनी अपना बैट लेकर पूरी पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग करता है और जमीला की गुफा के दर्रे उड़ा देता है। फिर अगली सुबह जॉनी खुशी से पागल हो रहा था क्योंकि उसने पिछली रात जमकर बैटिंग की थी। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी के मामा जमीला को लेने के लिए वापस आते हैं। ये देखकर जॉनी बहुत उदास हो जाता है क्योंकि अब उसे ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। जाते हुए जमीला के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी क्योंकि उसे भी जॉनी की परफॉर्मेंस देखकर मजा आ गया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।